कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, तब भी जिद करते। अच्छा वहां जो मस्जिद बनी थी वो कौन था, वो बशीर मेर बाकी, उसने बनाई थी, वो तो शिया था, उसने एक मुतवाली बनाई, मुतवाली के बेटा मुतवाली बना, उसके बेटा पोता सब अलग अलग बनते आए, आज भी वो मुतवाली है, वो शिया है, वो सरयू नदी के उस पार रहता है। उसने लिखकर दे दिया अशोक सिंघल को, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, कि हमें ये मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे सरयू नदी के पार एक मस्जिद बना के दे दीजिए, वो पर्याप्त। परंतु बीच में आ गए ये सुन्नी वाकफ बोर्ड और जो ये जो सऊदी अरेबिया के वहाबी मुस्लिम हैं, वही ज्यादा इसकी समस्या पैदा कर रहे हैं। जो सूफी सुन्नी है उन्होंने अभी सम्मेलन करके कहा कि हमें गर्व है, ये हमारा देश है, क्योंकि हमारा पूर्वज हिंदू है, तो हमें भी उतना ही हक है इस देश के लिए जितना हिंदू का है, क्योंकि हमारा पूर्वज हिंदू है। और ये सारे कहते हैं, लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया में जो वहाबी है वो उनके से पैसा आती है, यहाँ मदरसा बनाए जाते हैं, उसमें दिमाग खराब करते हैं, तो ये उसका हम फिर सरेंडर करते हैं हमारे नेता लोग, इसीलिए होता है। हमें साफ साफ कहना चाहिए कोई सरकार बने कि हम दूसरे जगह में बन के बना के देंगे, नहीं तो हम सरकार के तरफ से अलग से हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के संविधान मंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1994 में जजमेंट दिया है, फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या कहा है कि मंदिर सदा के लिए मंदिर है, लेकिन मस्जिद जो है वो कभी भी दूसरे जगह में रखी जाएगी, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए कोई विशेष जगह की आवश्यकता नहीं है, आप रेलवे प्लेटफॉर्म में भी नमाज पढ़ सकते हैं, इस ऑडिटोरियम में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। हमारे मंदिर सदा के लिए मंदिर इसीलिए है क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा करके देवता को उस मूर्ति में ला देते, तो उसके बाद मालिक बनता है कौन, वो भगवान ही मालिक है, हम ट्रस्टी बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। और ये आज इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जजमेंट में साफ कहा है कि राम लाला ही मालिक है उस मंदिर का, लेकिन कृपा पोती करके थोड़ा ये जमीन दे देंगे, वहां मस्जिद बने, बगल में मस्जिद बनेगा, चले गए मस्जिद दूसरे अच्छी जगह में बना ले। ऐसे हमें वो विराट जो चेतना है उसको पैदा करनी है, लिपापोती नहीं करनी है, झुकाव नहीं करनी है, जरा बच के जरा हटके ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नया संस्कृति हमारे देश में होनी चाहिए, हमें गर्व होनी चाहिए अपने संस्कृति की, उसकी उसमें कई त्रुटियां आई हैं, उसको हटाने के लिए पुनरुत्थान करनी चाहिए, लेकिन इस देश की पहचान दुनिया में होनी चाहिए, ये हिंदू संस्कृति देश है, वो संकल्प होगी तो मैं कहता हूं कि समन्वय हो या समरसता हो या उसकी चुनौती हो, सबको पार करके दुनिया में दोबारा हम देश के नंबर, दुनिया के नंबर वन देश बन सकते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। हमें ना बकरी बननी है, ना सर्कस की शेर बननी, यानी लायन बननी है, हमें तो इसी में बननी है। और यदि हम करें अच्छे, हम अपने समन्वय करें अपनी आध्यात्मिकता और भौतिक विकास से, तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगी। आज 2G मामले में इतनी भ्रष्टाचार हुई है, 60,000 करोड़ के रिश्वत बांटे गए लोगों को, कई लोगों को 2G 1G 3G कुछ समझ में नहीं आती ये क्या है। मनमोहन सिंह से पूछा गया 2G क्या, उसने कहा सोनिया जी और राहुल जी। ज्यादा उनको जानने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब कॉर्डलेस फोन बनी, वो 1G था, उसमें फोन उठा के डायल करो तो वायर के बिना टेलीफोन घंटी बजती थी, उसको उठा के बातचीत कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मोबाइल फोन आई जो 2G थी, उसमें आप SMS भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, चित्र भेज सकते हो। फर्क इतना है कि जो 1G का जो वेव है, साउंड वेव, वो लंबा साइकिल में जाती है, 2G में थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा भेजते तो साइकिल ज्यादा होती है, 3G में चित्र भी जाए, यानी चित्र नहीं वीडियो चल जाती है, आप फोन करो दूसरे जगह में उठाएंगे तो आप उसको देख सकते हो, जैसे आप बगल में ही हो,
पैसा दिखाई पड़ेगा। तो जितना इंफॉर्मेशन भेजना उतना साइकिल्स होते हैं और उसको आसमान में रास्ता बांटनी होती है ताकि टक्कर ना हो। वो रास्ता जो बटा हुआ है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको नीलाम करनी चाहिए थी, नहीं किया। और पहले तो सरकार तो कह रही थी कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पर धीरे धीरे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि हम राजा को जेल भेजें, भेज दिया। फिर कन्नीमोड़ी की बात रही, उसको भी भेज दिया। मारन की बात आई, उसके भी एक दो हफ्ते में वो भी जेल चल जाएगा। चिदम्बरम को भी भेजा जाएगा, वो बचेगा नहीं। ट्रायल कोर्ट में कर नहीं सकता, इसके मतलब में सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मैंने वो जो लाइसेंस कैंसिल हुई है वो भी मैं हाई कोर्ट में हार गया था। सैंक्शन की बात थी, हाई कोर्ट में हार गया था, पर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो मेरे पक्ष में ऑर्डर दी थी, वैसे ही इसमें भी चिदम्बरम का छुट्टी होगा, वो भी अंदर ही जाना पड़ेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सिर्फ एक कंप्लेंट आई है मुझे तिहाड़ जेल से, वो सुप्रिंटेंडेंट ने मेरे दोस्त को कहा कि स्वामी को बुलाओ कि हमारे बावर्ची बहुत नाराज है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि ये मद्रास ही अंदर भेज रहा है और सब लोग मसाला डोसा इडली मांग रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कैसा करना है। मैंने कहा कल वो इटालियन भेज दूं और पिज्जा मांगेगी तो क्या। है क्योंकि 60,000 में जो 60% जो रिश्वत है उसको मिला और हम उसको भी सिद्ध कर देंगे। और परंतु ये जानिए कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सीबीआई नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कुछ नहीं है। सारे कागज और तैयारी और बहस सब मुझे करना होता है, इसीलिए मैं एक एक को ले रहा हूँ, एक को हजम करके। परंतु आप कल मुझे सर कल आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। परंतु कल आप सरकार दे दोगे तो मैं सबको एक साथ पकड़ के अंदर। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि मूलतः हमारी संस्कृति है जो हमें भ्रष्टाचार से बचा सकती है, इधर उधर लोगों को पकड़ के अंदर करने से पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालीन में जिस दिन हम ये पैसा के और दौलत के और धन के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, ये संस्कृति वापस लाएंगे जो सनातन धर्म की संस्कृति है। और जब हम त्याग के लिए हम महत्व देंगे तब हमारे देश में हम संस्कृति भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। इसीलिए इस कारण से भी हमारे प्राचीन संस्कृति को लाने के लिए यह अनिवार्य है। और मैं समझता हूँ कि आज देश में एक जागृति जो जरूर आई है। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि कृपा किसी हालत में निराशा मत फैलाइए कि कुछ नहीं हो सकता इस देश में, चोर वाले चोरी रहेंगे और खूब मजा करेंगे और हम लोग पीटते रहेंगे, ऐसा कभी निराश मत हुई, बदल आएगी और घटनाएं बदल आएगी। जब मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि इमरजेंसी जाएगी कैसे, यहाँ तो कोई आंदोलन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे जाएगी, परंतु मैं लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। कई लोग अमेरिका में कई तो उस समय में अमेरिका भी चले गया था, ये पकड़ नहीं सके, मैं अमेरिका पहुंच गया। वहां मैं प्रचार कर रहा था, कह रहे थे काई को ये सब कर रहे हो, यहीं बस जाओ, भूल जाओ। मैंने कहा नहीं, हम लड़ते रहेंगे। तो यही पूछते थे कि कैसा जाएगा इमरजेंसी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो सारा डेमोक्रेसी खत्म हो गए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन इंदिरा गांधी ने गलती से चुनाव कर दी और इंदिरा गांधी चुनाव में खुद हार गई। उस कारण से जनता पार्टी सरकार बनी और डेमोक्रेसी देश में वापस आई।
मैं क्या जानता था कि इंदिरा गांधी ऐसे बेवकूफी करेगी कि वो चुनाव करेगी। तो आज हमें पता नहीं है कि इस देश की पुनरुत्थान किस घटना से आने वाली है। यही इसको मैं कहता हूं भगवान की लीला, और भगवान की लीला तभी साथ देगी जब हम अपने पूर्ण रूप से अपना प्रयास करेंगे, हम दृढ़ संकल्प रहेंगे, दृढ़ के साथ रहेंगे। इसी के लिए हमारे धर्म के अनुसार हमें यही सिखाया जाता है कि घटनाएं भगवान करेगा, लेकिन प्रयास तो हम करेंगे। प्रयास करने के लिए हमारी छूट है, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान तय करेगा कब करना है। ये हमारी संस्कृति है, इस पर हमें काम करना चाहिए। यही मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए